जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल ज़रदा। उसके लिए हमने आधा किलो चावल ले लिए थे और उसको हमने आधा घंटा भिगो दिया था, और अब हमने दुगना पानी लेकर उसके अंदर चावल जो है वो हमारे बॉयल हो रहे हैं, और तकरीबन एक कनीन को हमने उबाल लेना है। चावल हमारे अच्छे से बॉयल हो गए हैं और हमने तकरीबन एक पाव जो चीनी है वो तकरीबन एक कप पानी डाल के हमने ये पकाने के लिए रख दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे हमने तकरीबन 5 टेबलस्पून घी ले लिए है, और यहाँ पे ऑरेंज स्किन है, और ये हमने मेवा ले लिया है। साथ ही हमने पानी थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर बादाम डाले थे और छिलका उतार लिए है, और यहाँ पे लौंग है, और यहाँ पे सब्जी इलायची है, और नमक हमने लिया है एक चुटकी, ये बैलेंस मीठा बैलेंस करेगा। और यहाँ पे हमारे पास गरी है, और ये गार्निश के लिए चमचम, और साथ हमने ले लिया है बर्फ़ी। हमारे पास खोया नहीं था तो हमने बर्फ़ी ले ली है। चीनी हमारी अच्छी सी कुक होगी और इस मेल्ट होगी सारी, और इसमें अब हम घी ऐड कर देंगे, और साथ ही हम ये ऑरेंज स्किन डालेंगे, और ये हमारे सूखी चली जाएगी मेवा मतलब, और साथ ही हम डाल देंगे ये नमक और इलायची, और इनको अच्छे से मिक्स करते हैं, और साथ ही हम बादाम डालेंगे, और ये नारियल गिरी चली जाएगी, और इनको अच्छे से हम पका लेंगे। और जैसे ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा उसके बाद हम राइस ऐड कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पे अब हम आंच हल्की कर लेंगे, और साथ ही हम अब बॉयल राइस ऐड करेंगे इसमें, और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इनको एक कनीन बॉईल कर लिया था इस तरह, और इसको अब कलर डालेंगे इसके। ये देखें हमारे पास ग्रीन कलर है, बिल्कुल हल्का सा डालना है, ये काफ़ी है। यहाँ पे हम ज़रदा कलर डालेंगे बस, और अब रेड कलर, और यहाँ पे हम इसको अब दम दे देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए जी, यहाँ पे स्पेशल जो ज़रदा हमारा है ये देखें वो अच्छा सा हमारा रेडी हो गया है, और यहाँ पे हमने फूड कलर भी लाइट से डाले थे क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं, तो इनको बहुत कम ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें जी, अब हम इनको निकाल लेंगे। यहाँ पे हम इधर चमचम हम लगा देंगे, इस तरह हम इसकी गार्निश कर लेते हैं। ये देखें जी इस तरह, और ये ऊपर हम ऊपर इसके बर्फी डाल देंगे ऐसे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।